हेलो स्टूडेंट गुड इवनिंग वेलकम बैक सर क्वेश्चन इज टू फ्रेंड्स पी एंड क्यू सिमिलटेनियसली स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक दे रन इन द सेम डिरेक्शन पी रन एट द स्पीड ऑफ सिक्स मीटर पर सेकेंड क्यू रन एट बी मीटर पर सेकेंड ठीक है यहाँ दो लोग दिया गया पी पी का स्पीड दिया गया सिक्स मीटर पर सेकेंड क्यू का दिया गया बी मीटर पर सेकेंड फिर आगे बोलता है इफ दे क्रॉस इच अदर एट एक्जैक्टली टू पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक एंड बी इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स देन हाउ मेनी वैल्यूज़ कैन बी टेक ठीक है जैसे ये क्वेश्चन जो है इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन बोला गया मीट करने का बात कर रहे हैं ठीक है सर्कुलर ये सर्कुलर पाथ है जिसमें कितने बार मीट करेगा उस तरह का क्वेश्चन दे, देखो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट थोड़ा बता देते हैं ठीक है पहला तो ये देखो फुल प्रोसेस से इसको नहीं करना है ये क्वेश्चन अगर हम फुल प्रोसेस से करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें ठीक है और जनरली सबका हम लोग फुल प्रोसेस जान लेते हैं अच्छा रहता है लेकिन इसका जो काफी लेंथी प्रोसेस है ठीक है अगर फिर भी लगे कि फुल प्रोसेस जानना है तो हम कमेंट सेक्शन में कोई टाइप टाइप करना हम फुल प्रोसेस भी बता देंगे ठीक है तो सबसे पहले हम बेसिक बता देते हैं कैसे ये सॉल्व किया जाएगा ठीक है जैसे कोई सर्कुलर पाथ है ठीक है तो एक सर्कुलर पाथ हम ले लेते हैं जैसे ये हम लोग का सर्कुलर पाथ है अब इस सर्कुलर पाथ में अगर हम देखें तो दो केस हो सकता है जैसे यहाँ से दो लोग स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है ए और बी अब केस दो बनता है एक केस ये बनता है कि दोनों सेम डशन में मूव करें ठीक है और एक केस ये बनता है कि एक इस डरेक्शन मूव करे दूसरा दूसरे डरेक्शन में मूव करे एक इस डरेक्शन में दूसरा इस डरेक्शन में ठीक है तो दोनों केस को हम बता देते ताकि आगे जा करके दोनों केस वाला क्वेश्चन बन जाए तो यहाँ क्वेश्चन में जैसे समझते हैं जैसे एक का स्पीड मान लेते एक आदमी है उसका स्पीड क्या है सिक्स मीटर पर सेकेंड अभी क्वेश्चन नहीं हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ठीक है अपने से और दूसरा आदमी जो है उसका ले लेते हैं हम लोग टू मीटर पर सेकेंड ठीक है अब जैसे इसका स्पीड है सिक्स मीटर पर सेकेंड और टू मीटर पर सेकेंड और पूछा गया क्वेश्चन में मीटिंग पॉइंट्स कितने बार मीट करें लेकिन साथ में ये भी पूछेगा बोलेगा कि ये लोग का डायरेक्शन क्या है दोनों सेम डेक्शन मूव कर रहे हैं या फिर अपोजिट डिरेक्शन मूव कर रहे हैं तो मान लेते हैं हम एक बार लेते हैं वेन दे आर इन सेम डायरेक्शन ठीक है तो पहले हम ले लेते हैं सेम डायरेक्शन का केस सेम डायरेक्शन का केस लेते हैं अब देखो सेम डायरेक्शन में अगर हम देखें तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या होता था माइनस करना तो वो एक्चुअल वो यूज़ नहीं हो रहा है लेकिन उसको यूज़ करेंगे हम लोग ठीक है सबसे पहले अगर हम पूछे हमसे पूछे कि सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो लोग कितने बार मीट करेंगे सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो कितने बार मूव मीट करेंगे तो सब सिंपल सा है क्या करना है कि दोनों का स्पीड का रेशियो निकाल देना सिक्स और टू का रेशियो क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में थ्री इज टू वन ठीक है अब दोनों का जो थ्री इज टू वन आया तो सेम डायरेक्शन में रहने पे रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ भी क्या करना है थ्री माइनस वन मतलब टू टाइम्स मीट करेंगे कितने टाइम्स मीट करेंगे वो टू टाइम्स ठीक है और उसी तरह से अगर ऑपोजिट डरेक्शन में देखें ठीक है ऑपोजिट डरेक्शन में अगर पूछ दें ऑपोजिट डायरेक्शन का अगर हम लोग को पूछें तो उस अपोजिट डरेक्शन में भी क्या करना है स्पीड का रेशियो निकालना है तो रेशियो तो थ्री टू वन यहाँ भी आएगा और इस केस में क्या करना है ना ऐड कर देना है क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या होता है ऑपोजिट डरेक्शन में ऐड हो जाता है तो ये लोग फोर टाइम्स क्या करेंगे ये लोग जब अपोजिटिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तब फोर टाइम्स ये लोग मीट करेंगे ठीक है एक बार हम इस कंसेप्ट को फिर से रिपीट करते हैं ताकि अगर समझ नहीं आए तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हम ये बोलें जैसे दो लोग हैं एक का स्पीड है सिक्स मीटर पर सेकेंड दूसरे का स्पीड है टू मीटर पर सेकेंड अगर ये लोग सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं ठीक है और पूछ दे क्वेश्चन में कि, कि कितने टाइम्स मीट करेंगे सेम डायरेक्शन मूव करने पर तो सिंपल सा क्या करना है कि दोनों का रेशियो फाइंड कर लेना है सिक्स और टू का जो कि रेशियो हम लोग का क्या जा रहा है थ्री इज टू वन अब दोनों का डिफरेंस फिर हम लोग को फाइंड कर लेना है तो थ्री और वन का अगर रेशियो देख ले हम लोग सॉरी थ्री और वन का डिफरेंस देख ले तो क्या आ जाता है हम लोग का टू मतलब ये लोग मीट कितने टाइम्स करेंगे टू टाइम्स ये सेम डशन का था अब ऑपोजिट डरेक्शन का अगर आए हम लोग तो क्या है रेशियो आया थ्रीज टू वन अब ऑपोजिट डिरेक्शन में भी क्या करना है ऑपोजिट डरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड होता है ठीक है रिलेटिव स्पीड क्या होता है ऐड होकर निकलता है दोनों का तो यहाँ भी क्या करना है हम लोग को डिफरेंस निकालने के जगह क्या कर देना है यहाँ ऐड कर देना है तो फोर टाइम्स मीट करेंगे ठीक है अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो गया तो हम आगे आते हैं क्वेश्चन में अब क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा ठीक है तो ये तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में दो लोग हैं पी और क्यू ठीक है और पी का स्पीड दिया गया हम लोग को सिक्स मीटर पर सेकेंड ये दिया गया है और क्यू का स्पीड दिया गया हम लोग को बी मीटर पर सेकेंड तो पहले हम लिख लेते हैं ठीक है पी और क्यू पी और क्यू पी का स्पीड दिया गया है सिक्स मीटर पर सेकेंड और क्यू का दिया गया है बी मीटर पर सेकेंड ठीक है अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ क्यू का कुछ कंडीशन रखा है क्यू का क्या क्या वैल्यू हम लोग ले सकते हैं तो यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया गया कुछ क्या बोला गया है कि इफ़ द क्रॉस क्रोसीचर ठीक है बी इज बी इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स अब सिक्स से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या आ सकता है तो बी का वैल्यू हम लोग ये सब ले सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं ले सकते क्योंकि सिक्स से लेस बोला गया ठीक है तो बी का वैल्यू ये सब में आएगा अब साथ में क्वेश्चन में ये भी बोला गया था हम लोग को हम लोग को मीटिंग पॉइंट्स पहले से दिया हुआ है मीटिंग पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि वो लोग इफ दे क्रॉस इच अदर एट टू पॉइंट्स कितने पे मीट कर रहा है वो लोग टू पॉइंट्स पे अब सिंपल सा है मीटिंग पॉइंट दिया हुआ है टू और वो लोग सेम डेक्शन में मूव कर रहा है कौन सा डिररेक्शन में ये सेम डेक्शन तो ये किसका केस है ये हम लोग का सेम डशन का क्वेश्चन है और सेम डशन में अभी हम बताए थे सेम डक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होता है तो सेम डशन में रिलेटिव स्पीड माइनस होता है तो यहाँ जो सिक्स और बी है पहले उसका रेशियो क्या होगा इसका रेशियो का इसका रेशियो का डिफरेंस कितना आना चाहिए ये सिक्स और बी का जो रेशियो आएगा उसका डिफरेंस आना चाहिए हम लोग का टू आना चाहिए ठीक है अब बी का वैल्यू हम लोग अलग अलग लेके देखेंगे किस में टू आता है तो बी का वैल्यू वन ले सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही आ गया और सिक्स माइनस वन कितने के बराबर आ रहा है फाइव तो फाइव टाइम्स तो मीट नहीं कर रहा है तो ये नहीं होगा फिर क्या ले सकते हैं हम लोग सिक्स के साथ टू और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अभी नहीं हुआ है इसको करना पड़ेगा टू वन जे टू टू थ्री जय सिक्स थ्री बाई वन और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है थ्री माइनस वन टू तो ये बिल्कुल सही है सेटिस्फाई कर रहा है और देखते हैं और भी शायद सेटिस्फाई कर जाए और क्या ले सकते हैं हम लोग बी का वैल्यू थ्री भी ले सकते हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रहा है टू इज टू वन और इसका डिफरेंस क्या होगा टू और वन का वन मतलब ये लोग वन पॉइंट पे मीट करेगा फिर उसी तरह से फोर भी ले सकते हैं तो सिक्स बाई फोर कितना आ जाएगा टू थ्री जयर सिक्स टू टू जब फोर तो थ्री बाई टू आ रहा और ये थ्री और थ्री माइनस टू कितना आ रहा है वन तो ये लोग मीट कितने पॉइंट पे करेगा एक पॉइंट पे ये सब गलत है जो कि दो पॉइंट वाला हम लोग क्या था सही था अब उसके बाद आते हैं हम लोग सिक्स के साथ फाइव लेंगे एक बार और सिंपलेस्ट फॉर्म तो ये ऑलरेडी है तो सिक्स माइनस फाइव कितने के बराबर आ रहा है वन तो ये भी हम लोग का फॉल्स हो गया क्यों क्यों फॉल्स हो रहा है ये सब तो ये सिंपल सा क्वेश्चन में लिखा गया था वो वो लोग का मीटिंग पॉइंट हम लोग को शुरू में ही बोला था कि दो बार मीट कर रहा है वो लोग अब दो बार मीट करने में एक ही केस ले सकते हैं हम लोग बी का वैल्यू क्या ले सकते हैं ये टू ले सकते हैं बाकी कोई वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं बी का तो बी बराबर क्या आ जा रहा है हम लोग का टू बी का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का बी इज इक्वल टू टू तो हम लोग का बी का वैल्यू टू आ गया क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या गया था क्वेश्चन में पूछा गया था देन हाउ मैनी वैल्यूज़ कैन बी टेक अच्छा बी का वैल्यू नहीं पूछा क्या बोला गया कि बी का कितना वैल्यू ले सकते हैं हम लोग बी का वैल्यू हम लोग जैसे क्या क्या बोले थे वन टू थ्री फोर फाइव इतना सारा चेक किए लेकिन ये सब वैल्यू नहीं लिया ठीक है इतना क्यों चेक किए क्योंकि सारा सिक्स से छोटा है सिर्फ वैल्यू कौन सा ले रहा हम लोग का सिर्फ वैल्यू ये टू वाला लिया तो एक ही वैल्यू ये पांच वैल्यू में तो ये पांच जो वैल्यू आया था उसमें एक वैल्यू ले सकते तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा आंसर ये ऑप्शन बी ऑप्शन बी मतलब वन आंसर हो जाएगा ठीक है तो आई होप यहाँ क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट किसी स्टेप में अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से हम लोग का आंसर आ गया आई होप सेशन अच्छा लगाओ अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो ओके okay.